दोस्तों आज हम भिंडी के खेत में खड़े हैं और भिंडी के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे भिंडी की खेती होती है और जो आप लोग खाते हैं भिंडी का स्वाद लेते हैं उसके बारे में हम बताएंगे कि किसान भाई भिंडी कैसे तैयार करते हैं। तो पूरा खेत में हम खड़े हैं और पूरा हम खेत में दिखाएंगे दोस्तों। तो ये भिंडी का खेत है और ये पूरा आप लाइन से लगा हुआ कि ये देखिए इसकी लाइन लगी हुई है, पूरी लाइन से बोया गया होगा और उसके बाद ये इतना छोटा छोटा ये अभी पेड़ है और पास से हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये हैं, ये पौधे लगे हुए हैं, लाइन से लगे हुए हैं और ये आगे चल के बड़े हो जाएंगे, लगभग 5 फीट 6 फीट ऐसे ही इतनी इसकी लंबाई होती है। तो यहाँ पर अभी छोटे छोटे हैं और इसमें निराई गुड़ाई इस पानी लगना ये सब काम यहाँ पर हो रहा है, किसान भाई सब कर रहे हैं। तो भिंडी की शुरुआती ये जो पेड़ हैं ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फावड़े से काम हो रहा है और उधर पानी लगा हुआ है खेत में, भिंडी के खेत में कैसे पानी लगाया जाता है और कितने बड़े होने पर पानी लगता है ये आप देख लीजिए कि भिंडी कितने बड़ा पेड़ हो जाए उसके बाद पानी लगाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी छोटे छोटे पेड़ हैं और इसमें ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी भिंडी ये देखिए लगी हुई आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसमें ये भिंडी लगी हुई है, इसमें लगी हुई है, इसमें कोई जानवर आकर के ऊपर के पत्ते ये खा गए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा भिंडी का खेत है, उधर पानी की सिंचाई इसमें हो रही है, आधे खेत में हो गई है और किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से सब्जी मिलती है। यह ऐसा है कि ठेले पे तो आराम से मिल जाती है लेकिन किस तरह से किसान भाई अपना खेत में मेहनत करके और तैयार करते हैं, उसको उगाते हैं, फिर उसका स्वाद खाने को मिलता है, बड़ी मेहनत से खेती होती है। आप देख सकते हैं ये देखिए भिंडी लगी हुई है, ये देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमने जूम करके आपको दिखाया कि कितनी बड़ी बड़ी भिंडी हो गई है और अब वहाँ पर देखिए सिंचाई कर रहे हैं किसान भाई। और इधर आम लगे हुए हैं पेड़ों में क्योंकि आम की फसल है और उधर देखिए किसान भाई अपना खेत में दवाई डाल रहे हैं। ये देखिए इतने बुजुर्ग दादाजी हैं और ये यहाँ पर मेंथा लगा हुआ है उसमें दवाई डाल रहे हैं, कीट नाशक दवाई डाल रहे होंगे तो जिससे कि कीड़े मकोड़े ना लगें। दादा किसमें जो है पिपरमिंट में डाल रहे हो दवाई? भादा की दवाई डाल रहे हो? तो भादा एक खर होता है यहाँ पर, ये भादा लगा हुआ है, इसको भादा बोलते हैं देहाती भाषा में ये, तो इसकी दवाई डाल करके ये सूख जाता है और पिपरमिंट का पौधा बच जाता है। तो दादा आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, कितने साल की उम्र हो गई आपकी? 75 साल 2449 की है हमारी। अच्छा अच्छा, तो 75 साल के दादाजी हैं, देखिए किस तरह से अपना पीछे मशीन बांधे हुए हैं, पिठिया वाली है, दवाई डाल रहे हैं खेत में किसानी। तो मेंथा का अपना खेत कर रहे हैं और उधर आम का बाग लगा हुआ है दोस्तों, आम भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर दादाजी बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेंथा जिसको पिपरमिंट बोलते हैं उसकी खेती कर रहे हैं। तो दादा ये पिपरमिंट की खेती कब से कर रहे हैं आप? 3-4 साल से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो तेल वगैरह अच्छा जो है मुनाफा होता है आपका? पैदावार के ऊपर है। लेन लगी थी 11 अप्रैल को लगी थी। अच्छा अच्छा, 2 महीने 12 दिन की हुई। हाँ, तो दूसरे नहर ने ब्योरी काम में दिया। अच्छा, तो पानी तो। तो इनके लिए भाई लाइक कर दीजिए, इतनी उम्र में 75 साल की उम्र में ये खेती कर रहे हैं तो इनकी जज्बा इनका देखिए, 75 साल के लोग कमर टेढ़ी हो जाती है दोस्तों। ये भैया जो है क्या कर रहे हैं इसके लिए, ये पानी पानी के लिए घावा ये काट रहे हैं ना भैया? ये देखिए ये बहुत फावड़ा चला रहे हैं, किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं और ये पानी इसमें लगाया जाएगा ट्यूबवेल से जो यहाँ पर उधर से आएगा और इधर ये बांध रहे हैं, पानी वहाँ से आ करके और इधर रुक जाएगा और इधर से ये साइड से पानी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से खेती की जा रही है दोस्तों। तो आप ये इधर देखिए ये भी जो है किस तरह से पानी लगाया जाता है, कैसे पानी को रोका जाता है। तो ये देखिए किस कैसे पानी दूसरी तरफ जाता है तो उसको मिट्टी से कैसे रोक दिया जाता है। तो ये देखिए रोकने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये एक एक्सपर्ट ही कर सकते हैं।
पूरा परिवार आता है और पूरा परिवार के सहयोग से ये पूरी खेतीबाड़ी की जाती है, एक लोग के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर दोस्तों हमने दिखाने की कोशिश की। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए।